हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर पर्सनल इंग्लिश कोच प्रोफेसर डीसी। और इस वीडियो में हम समझेंगे द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी। ये कोई ऐसे राइटअप या आर्टिकल नहीं है, ये एक स्पीच है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद इटली में डिलीवर की थी। इससे पहले का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो इस स्पीच का सीधा सीधा ट्रांसलेशन है, लेकिन क्योंकि वोकैबुलरी बहुत ही एक्सटेंसिव है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर के सेंटेंस फॉर्मेशंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, आपको हो सकता है कि हिंदी ट्रांसलेशन भी उतने अच्छे से समझ में ना आए। इसलिए मैंने सोचा कि उनकी स्पीच को बहुत ही ज़्यादा सिंपल बना दिया जाए और आपको समझाया जाए। स्पीच शुरू करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर का बैकग्राउंड क्या है। आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था कलकत्ता में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 7 मई 1861 में उनका जन्म हुआ था और उनकी मौत हुई थी 7 अगस्त 1941 में। उनका असली नाम रबिंद्रोनाथ ठाकुर था और लोग उनको प्यार से गुरुदेव, कविगुरु और विश्वकवि कह के भी पुकारते थे। उनको पॉलीमैथ कहा जाता था। एक पॉलीमैथ वो इंसान होता है जिनको ढेर सारे सब्जेक्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ पता हो। आपने उनकी कविताएं तो पढ़ी ही होंगी। ही वॉज अ वेरी फेमस पोएट। म्यूजिशियन थे, बहुत बड़े म्यूजिशियन थे और एक कलाकार थे। बंगाली लिटरेचर को और बंगाली म्यूजिक को एक अलग ही रूप दे दिया उन्होंने। बंगाली लिटरेचर और म्यूजिक का इतिहास बदल दिया। और उन्होंने कुछ बहुत ही सुंदर वर्सेस लिखे थे, बहुत ही सेंसिटिव, फ्रेश और जिनका मीनिंग बहुत डीप था। और ये सारे वर्सेस के कंपोजिशंस को उन्होंने नाम दे दिया गीतांजलि। ये कब की बात है? 1913 की बात है। और गीतांजलि की वजह से उनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी मिला था और वो पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको ये अवार्ड मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हमने जान लिया। अब समझते हैं ये स्पीच जिनको कहा गया है द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी। इसको सिंपल हिंदी में सोचे तो ये है इंसानियत की आवाज। ऐसा क्या है ये स्पीच में जो कि इसको इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट बनाती है? आइए समझते हैं। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो सबसे पहला पैराग्राफ उसी स्पीच का। लेकिन सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि टैगोर यूरोप गए थे 1928 में और वहां पे मिलान इटली में उन्होंने ये स्पीच डिलीवर किया था। वो मंच पे खड़े हुए हैं, उनके सामने बेहद इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं, मोस्टली इटालियंस, और वो शुरू करते हैं अपनी स्पीच। तो सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ, टैगोर शुरुआत करते हैं ये कहते हुए कि उनको बेहद आनंद महसूस हो रहा है ये स्पीच डिलीवर करने में। और फिर वो माफ़ी मांगते हैं। वो माफ़ी इसलिए मांगते हैं क्योंकि टैगोर कहते हैं कि उनको लोकल लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए वो लोकल लैंग्वेज में स्पीच नहीं दे पा रहे हैं और इसी वजह से ही अपोलोजाइजेस। वो कहते हैं कि मैं ये स्पीच इंग्लिश में दूंगा क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है, आपको भी इंग्लिश आती है, और ये लैंग्वेज बैरियर की वजह से वो माफ़ी मांगते हैं। सेकंड पैराग्राफ में वो लोगों को कहते हैं कि यहाँ पे आने से पहले, इस मंच पे आने से पहले उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया था कि उनको क्या बोलना है, किस सब्जेक्ट पे बात करनी है। ही वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। 1921 की बात है, टैगोर कहते हैं कि उनको लगा कि एक ऐसी जगह पे जाया जाए, एक ऐसी जगह पे ट्रैवल किया जाए जहाँ पे ह्यूमन माइंड्स अवेकेंड हो, इंसानी दिमाग हर तरह से चुस्त और तंदुरुस्त हो और जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रगति हो रही हो। उस समय उनको ये लगा कि एशिया के लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे। कुछ गिने चुने लोग थे जो सत्य के पीछे मेहनत करते थे, ट्रुथ ढूंढने के लिए मेहनत करते थे, देश की प्रगति के बारे में सोचते थे, बहुत ही कम लोग थे। लेकिन उन्होंने ये देखा कि यूरोप के लोग
इतने ज़्यादा अवेकन हैं, हर चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं और हर फील्ड में प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनको लगा कि यूरोप में उनको जाना ही चाहिए। इसलिए वो उनका कार्यक्षेत्र जो कि शांति निकेतन है उसको और वहाँ के बच्चे जिनको उनसे बेहद प्यार था वो सब छोड़ के यूरोप आ गए एक दिव्यता महसूस करने के लिए, टू फील एंड एक्सप्लोर द डिविनिटी एंड ग्रेटनेस ऑफ द पीपल ऑफ यूरोप। आगे बढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ की ओर। फिर वो ऑडियंस को कहते हैं कि ये उनकी पहली विजिट नहीं है, वो बहुत सालों पहले 1878 में एक बार आ चुके हैं जब वो सिर्फ 17 साल के थे और तब उनका भाई भी उनके साथ था। उन दिनों 1878 में एशिया के लोग ये सोचते थे कि यूरोप कितनी अच्छी जगह है, एक ड्रीमलैंड है, कितनी पवित्र जगह है। और टैगोर छोटे होने के बावजूद उनको ये पता था कि यूरोप का लिटरेचर कितना आगे है, यूरोप के साहित्य का पूरी दुनिया में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है, यूरोप के पोएट्स हैं, यूरोप के हीरोज़ हैं जो दुनिया बदल रहे हैं। तो टैगोर के छोटे होने के बावजूद और उनकी इंग्लिश कमज़ोर होने के बावजूद उनको यूरोप के बारे में काफ़ी कुछ पता था। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पैराग्राफ की ओर। 1878 में जब वो पहली बार यूरोप आए तो सबसे पहले वो ब्रिंडिसी में आए जो कि इटली में है, और जब उनकी स्टीमर ब्रिंडिसी के तट पर पहुंची और जब वे नीचे उतरे उनके भाई के साथ तो ही वॉज सो डिलाइटेड, उनको बेहद खुशी हुई ये देख के कि जो नेचर है, जो सराउंडिंग है, कितना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, नेचुरल ब्यूटी वॉज एट इट्स बेस्ट। और उनको लगा कि यूरोप वाकई ही में उनका स्वागत कर रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, फिफ्थ पैराग्राफ में टैगोर ये कहते हैं कि ब्रिंडिसी कोई ज्यादा बड़ी नगरी नहीं थी, एक छोटा सा और शांत टाउन था जिसमें बेहद शांति थी, लेकिन टैगोर को फिर भी वहां पे अच्छा लग रहा था। स्टीमर से उतरने के बाद वो उनके भाई के साथ एक ऑर्डिनरी होटल में रुके थे रात गुजारने के लिए, जहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन टैगोर को मन ही मन अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि उनको पता था कि वो एक ऐसी जगह पे आ पहुँचे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिव्यता है। और इसीलिए उनको ये पता चल गया था कि यूरोप खुले हाथों से उनका स्वागत कर रहा है। सिक्स्थ पैराग्राफ, दूसरे दिन सुबह जब वो ब्रिंडिसी में उठे तब वो उनके भाई के साथ और एक इंडियन फ्रेंड हिंदुस्तानी दोस्त के साथ एक बगल वाले गार्डन में गए। बहुत ही खूबसूरत गार्डन था जिसमें सारे प्लांट्स, फ्लावर्स और जो भी प्लांटेशंस थे बेहद अच्छे तरीके से मेंटेन किए हुए थे, और वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था जो उनको रोके और कहे कि आप बिना पूछे अंदर नहीं जा सकते। उसके बाद जैसे ही वो अंदर गए, जैसे ही वो बगीचे में दाखिल हुए, उन्होंने एक ब्यूटीफुल इटालियन गर्ल को देखा, एक लड़की को देखा जिसने रंग बिरंगी कपड़े पहने हुए थे, स्कार्फ पहना हुआ था और वो अंगूर तोड़ रही थी, और उसके चेहरे पर एक डिम सनलाइट भी पड़ रही थी जिससे उसकी खूबसूरती और बढ़ चुकी थी। टैगोर क्योंकि वो सिर्फ 17 साल के थे मोहित हो चुके थे, उनको पहली ही नज़र में इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन सब होने लगा था। लेकिन फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, सेवेंथ पैराग्राफ में वो बताते हैं कि क्योंकि वो सिर्फ 17 साल के थे, ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो भावनाएं हैं वो बहुत ही स्ट्रांग थी, लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो अपने होमलैंड में नहीं है, वो एक विदेश में है और उनको अच्छी तरीके से बिहेव करना चाहिए, लड़की के पास जाकर उससे बात नहीं करनी चाहिए, एंड ही शुड कंडक्ट हिमसेल्फ विथ डिग्निटी। एट पैराग्राफ में टैगोर ऑडियंस को ये कहते हैं कि जब वो उस समय आए थे तभी उनको यूरोप से प्यार हो गया था, लेकिन ये सेम फीलिंग्स उनके भाई और उनके दोस्त में नहीं आई थी,
और बात ऐसी थी कि टैगोर छोटे थे और उनको उनके भाई के साथ रहना था, तो उनके पास उतनी लिबर्टी नहीं थी कि वो यूरोप में कॉन्स्टेंटली रह सके और उसकी ब्यूटी को एडमायर कर सके। और क्योंकि उनको इंग्लिश सीखने के लिए आगे भेजना था, तो टैगोर को उनके भाई के साथ यूरोप छोड़ना पड़ा। टैगोर बचपन से ही एक प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट थे और वो क्लासरूम और फॉर्मल एजुकेशन को नफरत करते थे। वो नहीं मानते थे कि चार दीवारों के बीच बेंचेस पे बैठ के एक टीचर बच्चों को पढ़ा सकता है, ऐसे नॉलेज शेयर नहीं की जा सकती उनके हिसाब से। इसलिए उन्होंने काफ़ी क्लासेस बंक किए और इवेंचुअली ये सब देख के टैगोर के माता पिता ने ये डिसाइड किया कि टैगोर को इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, इंग्लिश सीखनी चाहिए। इसीलिए टैगोर को भेज देते हैं इंग्लैंड, जहाँ पे बच्चा इंग्लिश सीखेगा और कम से कम एक सम्मान भरी नौकरी पाएगा और एक अच्छा सा रोल होगा उसका सोसाइटी में। इसलिए टैगोर को इंग्लैंड भेज दिया जाता है। 9th पैराग्राफ में हम ये देखते हैं कि टैगोर इंग्लैंड में सेटल होने की कोशिश करते हैं। टैगोर इंग्लैंड पहुंचते हैं और उन्होंने देखा कि इंग्लैंड में बेहद ठंड है, इट इज़ एक्सट्रीमली चिलिंग, और वहाँ पे लोग ही नहीं हैं बात करने के लिए, क्राउड्स तो दूर की बात है। इंडियन स्ट्रीट्स में रह के, इंडियन विलेजेस में रह के, इंडिया की भीड़ भाड़ को महसूस करके और देख के उन्होंने ये फील किया कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन है, वो अकेले पड़ गए। वहाँ पे उन्होंने देखा कि बड़े बड़े पेड़ थे जिसमें पत्ते ही नहीं थे, और वहाँ पे बर्फ ही बर्फ थी, वहाँ पे फॉग आइस और मिस्ट थी चारों तरफ, और वो उनके कमरे की खिड़की के बाहर देखते थे जहाँ पे एक पार्क था और उसको घूरते रहते थे, और फिर वो खुद ही को पूछते थे कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। और इसी फीलिंग्स ने उनको डिप्रेस्ड बना दिया था, शाय और अकेला बना दिया था। और फिर टैगोर ऑडियंस को कहते हैं कि हो सकता है कि उस समय वो बहुत छोटे थे और इंग्लैंड की ब्यूटी को एडमायर नहीं कर सकते थे। इवेंचुअली उन्होंने ये डिसाइड किया कि इंग्लैंड को छोड़ दिया जाए। 10th पैराग्राफ, इंग्लैंड छोड़ के वो आ जाते हैं इंडिया वापस। इंडिया वापस आने के बाद भी उनकी दिलचस्पी नहीं रही फॉर्मल एजुकेशन में, क्लासेस नहीं अटेंड करते थे, और जो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस होते हैं स्कूल्स में वगैरह उनको पसंद नहीं थे, और इसी वजह से उनको डिग्री कभी नहीं मिली। और धीरे धीरे काफ़ी समय आलस में गुजारने के बाद उन्होंने लिखना शुरू किया, स्टोरीज, पोएम्स और प्लेस। वो गंगा घाट पे बैठ के तन्हाई में, अकेलेपन में काफ़ी लिखते रहते थे। वो इतने डूब जाते थे लिखने में कि उनको यही नहीं पता था कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या युद्ध हो रहे हैं, क्या समझौते हो रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता था। बस वो गंगा घाट पे बैठ के लिखते रहते थे और लिखते रहते थे। 11th पैराग्राफ, जैसे जैसे समय बीत रहा था, अब उनको महसूस होने लगा कि उनको अकेले काम नहीं करना चाहिए, उनको एक क्राउड में शामिल होना था। अब उनको बच्चे पसंद थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। उनको ये भी पता था कि जैसे वो महसूस करते थे सफोकेटेड और काफ़ी निराश एक क्लासरूम के बीच, वैसे ही उनको लगा कि बहुत सारे बच्चे होंगे, ब्रिलियंट और ब्राइट बच्चे होंगे, जो फॉर्मल एजुकेशन की वजह से अपना ब्रिलियंस खो देते हैं, जो चार दीवारों के बीच घुटन महसूस करते हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि एक ऐसी जगह चुनी जाए विच इज़ वेरी नेचुरल, ना क्लासरूम हो और ना बेंचेस, जहाँ पे सिर्फ हरियाली हो, मे बी एक पेड़ के नीचे या पर्वतों के बीच, जहाँ पे बच्चों को बुलाया जाए और विदाउट एनी रूल्स और रेगुलेशंस बच्चों को पढ़ाया जाए। तो उन्होंने वही किया, बच्चों को बुलाया और पढ़ाने लगे, और उसके बाद बच्चों को फ्री एजुकेशन देने लगे। 12th पैराग्राफ, वो कहते हैं कि वो बच्चों को काफ़ी समय तक पढ़ाते रहते थे, फिर एक ऐसा टाइम आया जब उनको महसूस हुआ कि एक ऐसी जगह पे जाया जाए
एक ऐसी प्लेस विजिट करनी चाहिए उनको जहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन एक बेस्ट फॉर्म में हो, जहाँ पे सब लोग बेहद खुश हो, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रगति और प्रोग्रेस हो, और सारी फील्ड्स में जहाँ पे द ह्यूमन माइंड इज अवेकन्ड, और जहाँ पे लोग एकदम एकांत में शांति से रहते हो, और उनको एक कॉलिंग महसूस हुए जहाँ पे इंसान अपने दिमाग का फुल पोटेंशियल यूज़ कर रहा हो, और उनके दिमाग में एक ही जगह आई, उसका नाम है यूरोप। उनको लगा कि यूरोप ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रोग्रेस है और जहाँ पे इंसान अपने पोटेंशियल का यूज़ करता है टू द बेस्ट इट कैन। फिर उन्होंने सोचा कि वो यूरोप ज़रूर जाएंगे। 13 पैराग्राफ। जब तक उन्होंने ये डिसाइड किया तब तक उन्होंने काफ़ी सारी किताबें पढ़ ली थी, काफ़ी हिस्ट्री पढ़ ली थी, काफ़ी न्यूज़ भी पढ़ लिए थे, और उन्होंने ये जाना कि दुनिया में काफ़ी सारे युद्ध हो रहे हैं। उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताएं पढ़ी थी और उनको उतनी ही उदासी हुई जितनी वर्ड्सवर्थ को हुई ये जानते हुए कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसा व्यवहार कर सकता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कितने बड़े बड़े युद्ध कर सकता है। तो वर्ड्सवर्थ की कविताएं पढ़ के टैगोर को भी उतना ही दुख हुआ जितना वर्ड्सवर्थ को हुआ। और ये सब महसूस करने के बाद उन्होंने ये कंक्लूड कर लिया था कि इस दुनिया में एक इंसान ही एक दूसरे इंसान का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। 14th पैराग्राफ। टैगोर यूरोप आ पहुंचे और उन्होंने देखा कि यूरोप पहले जैसा नहीं था। यूरोप में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, और यूरोप के लोगों में टैगोर ने देखा कि काफ़ी लालस, काफ़ी ग्रीड, जेलसी, एनवी और सारी नेगेटिव फीलिंग्स आ चुकी थी। और टैगोर ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यूरोप में ये सारी फीलिंग्स का जन्म हो चुका है। उनको लगा कि यूरोप, जिसको वो मानते थे कि प्रोग्रेस कर रहा है और लोगों के दिमाग एकदम शार्प है, अवेकन्ड है, वही यूरोप डिस्टर्बेंस और अनरेस्ट के बीच लिपटा हुआ था। 15th पैराग्राफ। इसीलिए यहां पे जो सेंटेंस लिखा है, हाउ इज इट दैट शी मतलब यूरोप, यूरोप इज ओवरकम विद सच अ व्हर्लविंड ऑफ सस्पिशन एंड जेलसी एंड ग्रीड। वो सोचते रहे काफी समय तक। उसके बाद वो एक इंसिडेंट नरेट करते हैं। वो कहते हैं कि जब वो इटली से कैलस की ओर जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देखा कि वहां के किसानों ने कितनी मेहनत करके ढेर सारे पेड़ पौधे उगाए थे। उनको लगा कि वहां के किसानों ने अपना खून, पसीना और डेडिकेशन के साथ कितनी मेहनत की थी, और टैगोर को लगा कि फार्मर्स ने मैनकाइंड के लिए, ह्यूमंस के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है, और पूरी दुनिया को इन किसानों ने बचाया है। रास्ते में उन्होंने खेत देखे और वो मोहित हो गए, और उनको लगा कि जहाँ पे एक किसान इतनी मेहनत कर रहा है, इतना मेंटेन कर रहा है और खून पसीना एक करके लोगों की सेवा कर रहा है, उस ज़मीन पे सैडनेस, जेलसी, एनवी, ग्रीड, ये सारी फीलिंग्स कैसे आ सकती है। और फिर से उन्होंने सोचा कि यूरोप में इतना अनरेस्ट क्यों है जब यूरोप के किसान इतनी मेहनत करते हैं। आगे बढ़ते हैं 17th पैराग्राफ की ओर। टैगोर जब यूरोप में आए तो उन्होंने ये भी महसूस किया कि जब तक, जहाँ तक यूरोप के प्रॉब्लम्स की बात थी, तो यूरोप के लोग काफ़ी मेहनत करके उनको सॉल्व कर देते थे, वो एक साथ काम करते थे और यूरोप की डिग्निटी मेंटेन करते थे। लेकिन साथ ही साथ हुआ ये कि साइंस और टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ने लगी, और उस फील्ड में भी यूरोप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगा, और फिर यूरोप के सामने नई नई चुनौतियां आने लगी।
दुनिया ने यूरोप को बड़े सारे प्रॉब्लम्स दिए, बड़ी सारी चैलेंजेस दी जो यूरोप को सॉल्व करनी थी, और टैगोर ने ये देखा कि यूरोप ने तब तक उन चैलेंजेस को सॉल्व नहीं किया था, अभी भी जूझ रही थी एक सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। 17th पैराग्राफ। ऑथर रविंद्रनाथ टैगोर को लगा कि अगर यूरोप को ये सारी चैलेंजेस जो कि दुनिया ने उसके सामने रखी है सॉल्व करनी है, तो काफ़ी मंथन की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्शन और रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, और एक तरीका ढूंढना होगा यूरोप को जिससे वो ये सारी चैलेंजेस को सॉल्व कर सके। एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना होगा जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो और जिससे यूरोप को पीस और डिग्निटी मिले। और उन्होंने ये भी सोचा कि अगर इन चैलेंजेस को बड़े ही इंटेलिजेंटली और बड़े ही स्मार्टली डील नहीं किया गया तो क्या होगा। जिन चीज़ों के लिए यूरोप फेमस है, फ्रीडम, जस्टिस, ट्रुथ, लव और ब्यूटी, ये सारी चीज़ खत्म हो जाएंगी। तो टैगोर को ये रियलाइज़ हुआ कि यूरोपियन लीडर्स हैं, उनको किसी न किसी तरीके से बैठकर सोच करके, रिफ्लेक्ट करके, इंट्रोस्पेक्ट करके एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ। द थॉटफुल ऑथर रविंद्रनाथ टैगोर फेल्ट दैट यूरोप हैज बीन कमर्शलाइज्ड। टैगोर ने देखा कि लोग पैसे बनाने में लगे हुए हैं, प्रॉफिट्स बनाने में लगे हुए हैं, बिजनेस ओरिएंटेड हो रहा है, और इसीलिए लोग जो है वो जिस काम के लिए बने हैं वो नहीं कर रहे हैं। एवरीबडी इज इनटू मेकिंग वेल्थ एंड मनी एंड प्रॉफिट। जैसे एक आर्टिस्ट होता है जिसको फॉर एग्जांपल ड्राइंग करने में मज़ा आता है, वो ड्राइंग छोड़ के प्रॉफिट्स कमाने में लगा हुआ है। टैगोर ने ये महसूस किया कि जो लोगों की आत्मा कह रही है उनको, वो वैसा नहीं कर रहे हैं, बहुत ही कमर्शियलाइज हो चुके हैं, और जो उनकी डेस्टिनी उनको करने के लिए कहती है वो नहीं कर रहे हैं। और टैगोर के हिसाब से अगर एक इंसान वैसा नहीं करता है जो उसका दिल कहे, तो वो एक सोसाइटी, एक सिविलाइजेशन की डेथ प्रेडिक्ट करता है। अगर लोगों को फोर्स किया जाए कुछ काम करने के लिए तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाता, इसलिए इससे एक सिविलाइजेशन की मौत हो सकती है, ऐसा टैगोर मानते हैं। 19th पैराग्राफ। इसमें टैगोर ऑडियंस को ये कहते हैं कि अगर किसी चीज को सुंदर बनाना है तो बड़े ही धैर्य के साथ काम करना पड़ता है। ब्यूटी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ पेशेंस। वो कहते हैं कि कैसे पहले जो यूरोप के आर्टिस्ट थे वो धैर्य से काम करते थे, एक छोटी सी चीज को वो कितना सुंदर बना देते थे। दे वर ऑब्सेस्ड विथ अटेंशन टू डिटेल्स। बहुत ही माइन्यूटली, पेशेंस के साथ, परसिवियरेंस के साथ वो एक चीज़ को सुंदर बना देते। लेकिन टैगोर ऑडियंस को कहते हैं कि आज के दिन में क्या हो रहा है, लोग ग्रीडी हो चुके हैं, लालच से भर चुके हैं, उनको ज़्यादा सब कुछ चाहिए, मटीरियल वर्ल्ड में डूबने लगे हैं, अब उनके पास पेशेंस नहीं है, उनको फटाफट पैसा कमाना है और प्रॉफिट्स बनाने हैं, एक रैट रेस में डूब चुके हैं इन एक्यूमुलेटिंग मोर वेल्थ। और हो ये रहा है, टैगोर कहते हैं कि लोगों का पैशन क्रिएटिव चीज़ों में नहीं जा रहा है, वो डिस्ट्रक्टिव चीज़ों में जा रहा है। जो लोग कर रहे हैं प्रॉफिट्स एंड बिजनेस एंड मनी एंड वेल्थ, वो क्रिएटिव नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि लोग अपना पोटेंशियल बाहर नहीं निकाल रहे हैं। और टैगोर के हिसाब से ये जो पैशन है बड़ी सारी चीज़ें हासिल करने का, वो वर्थलेस है, उसका कोई मायना नहीं है। आगे बढ़ते हैं 20th पैराग्राफ की ओर। फिर टैगोर कहते हैं कि यूरोप ने साइंस की फील्ड में बेहद प्रोग्रेस किया है, और उनको लगता है कि जितना प्रोग्रेस यूरोप ने साइंस की फील्ड में किया है उतना किसी और देश ने नहीं किया है। और वो कहते हैं कि यूरोप ने जो नेचुरल लॉज होते हैं वो बड़े ही अच्छे तरीके से समझे हैं,
और इसके वजह से लोगों को भी बेहद खुशी मिल रही है और यूरोप इस फील्ड में लोगों को खुशियां बांट भी रहा है। नेक्स्ट 21st पैराग्राफ, टैगोर ये क्लैरिफाई करते हैं ऑडियंस को कि चीजें हासिल करना बुरी बात नहीं है, इससे हमारी आत्मा को खुशी मिलती है। एक इंसान खुश हो जाता है अगर उसके पास बड़ी सारी सुविधाएं हैं और इससे एक इंसान की जिंदगी सुधर सकती है और एक दुनिया को एक अच्छी जगह बना सकता है रहने के लिए। और फिर से टैगोर कहते हैं कि यूरोप ने इस एरिया में काफ़ी प्रोग्रेस किया है और वो ये कहते हैं कि यूरोप को और भी बहुत कुछ करना है आगे बढ़ने के लिए इन द फील्ड ऑफ साइंस। लेकिन फिर वो कहते हैं कि जो भी प्रोग्रेस, जो भी अचीवमेंट्स यूरोप ने किए हैं वो यूरोप को दुनिया के साथ बांटना चाहिए और खुद से सीमित नहीं रखना चाहिए, तभी जाके वो एक महान देश कहलाएगा। 22nd पैराग्राफ, टैगोर फिर से यूरोप की तारीफ कर रहे हैं और कहते हैं कि यूरोप के लोगों ने बहुत मेहनत की है वो सारी चीजें हासिल करने के लिए जो आज के टाइम में यूरोप में एग्जिस्ट कर रही है। दैट इज विदाउट अ डाउट, निसंदेह के साथ टैगोर ये कहते हैं। लेकिन फिर वापस वो ये कहते हैं कि यूरोपियंस को उनकी उपलब्धियां उनके पास नहीं रखनी चाहिए। अगर उनके पास ऐसा कोई आइडिया है या तो फिर ऐसा कोई रिसर्च है जिससे मैनकाइंड का फायदा हो रहा हो तो पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहिए। फिर वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं, वो कहते हैं कि कुछ ऐसे सत्य हैं जो साइंस के डोमेन के बाहर हैं, साइंटिफिक डोमेन के बाहर हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। सम ऑफ द थिंग्स आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ साइंस विच शुड बी टेकन इन कंसिडरेशन। और यूरोप ने वही मिस कर दिया, साइंस में तो आगे बढ़ा लेकिन साइंस के बाहर जो भी चीज़ें उसको ध्यान में रखनी चाहिए वो नहीं रखी, इसीलिए यूरोप में काफ़ी गड़बड़ चल रही है टैगोर के हिसाब से। 23rd पैराग्राफ, टैगोर कहते हैं कि अगर किसी देश के पास मॉडर्नाइज्ड और एडवांस मशीन्स हैं और एडवांस इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उनको उपयोग करने के लिए जो लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी उतने ही सख्त होने चाहिए। वो कहते हैं कि यूरोप ने एडवांस मशीन्स तो डेवलप कर लिए लेकिन उसके ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज जो डालने चाहिए वो नहीं डाले हैं, इसलिए अशांति का माहौल है। और यूरोप के लोग प्रसन्नता और शांति हासिल करने के लिए क्या करते हैं, नए नए बड़े सारे वेपन्स बनाते रहते हैं और टैगोर के हिसाब से मिसाइलें डालकर या बॉम्बिंग करके किसी और देश पे या किसी और सोसाइटी पे, किसी और रेस पे बॉम्बिंग करके शांति हासिल नहीं हो सकती। टैगोर कहते हैं कि अगर लॉन्ग लास्टिंग पीस चाहिए तो वो अंदर से आता है, इट कम्स फ्रॉम विद इन, पीस कम्स फ्रॉम विद इन। अगर मैंने किसी देश पे बम्बार्डिंग किया, मिसाइलें डाली तो शांति बन सकती है लेकिन ओनली टेम्पररीली, ये एक समझौते के साथ होता है, ये फोर्स से नहीं होता है। इट कम्स फ्रॉम सेल्फ सेक्रीफाइस, आत्मसमर्पण और दया भावना से शांति बन सकती है, ऐसा टैगोर मानते हैं। 24th पैराग्राफ, टैगोर बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान है और उनको इंसानियत में बड़ा ही होप है, अ लॉट ऑफ होप्स इन मैनकाइंड। वो एक मेटाफर यूज करते हैं, वो कहते हैं कि जैसे सूरज कभी कभार काले बादलों से घिर जाता है वैसे ही इंसान की आत्मा भी कभी कभी बैड थॉट्स, ईविल थॉट्स से घिर जाती है लेकिन ये हमेशा टेम्पररी होता है। बादल भी चले जाते हैं और जो बुरे विचार हैं वो भी चले जाते हैं। टैगोर ये मानते हैं कि सूनर और लेटर कभी ना कभी ये जो गंदे थॉट्स और गंदे डीड्स हैं लोगों के वो ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे बादल सूरज से हट जाते हैं और सूरज की ताकत दिखाते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये एविल थॉट्स और एविल डीड्स भी ख़त्म हो जाएंगे। और फिर वो बात करते हैं उन यूरोपियंस की जो अनुभवी नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड यूरोपियंस, कुछ ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि उनको
हक है लोगों पे राज करने का। वो लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। वो कहते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारी वजह से प्रगति हुई है, इसलिए हम आपके राजा हैं, और हमेशा लोगों पे हक जताते हैं, राज करने का ढोंग करते हैं। और फिर टैगोर कहते हैं कि जैसे धरती कंप अच्छे अच्छे बिल्डिंग को, अच्छी अच्छी जमीन को हिला के तोड़ देता है, वैसे ही एक समय ऐसा आएगा जब ये इनएक्सपीरियंस लोग, जो लोग अनुभवी नहीं हैं, जो अंधकार में जी रहे हैं, उनकी भी हार होगी। टैगोर फिर से कहते हैं कि ऐसी आवाज़ें जिसमें घमंड था, जिसमें काफ़ी सारा क्रोध था, जिसमें अहंकार था, वो धीरे धीरे क्रम्बल हो रही है, ख़त्म हो रही है, वैनिश हो रही है, और सिर्फ वही आवाज़ें बुलंद हैं, वही रेसेस या सोसाइटीज़ या कंट्रीज़ बुलंद हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। टैगोर कहते हैं कि ऐसी रेसेस, ऐसी सोसाइटी, ऐसे लोग ही काफ़ी आगे तक जा सकते हैं जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। और वो कहते हैं कि अकेले रहना सुसाइड के बराबर है। कहते हैं नो मैन इज एन आइलैंड, कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसको दूसरे इंसानों की ज़रूरत पड़ती ही है। वैसे ही एक देश अकेले नहीं रह सकता, आइसोलेटेड नहीं रह सकता, उसको दूसरे देशों के साथ, दूसरी सोसाइटीज़ और रेसेस के साथ एकता बनाए रखनी पड़ती ही है। और वही कंट्रीज़ ग्रेट और प्रॉस्परस कहलाए जाते हैं हु आर इन्वॉल्व इन द बेटरमेंट ऑफ द होल मैनकाइंड। 26th पैराग्राफ, टैगोर कहते हैं कि अगर आप एक साथ रहते हो और अपनी उपलब्धियां और अपने विचार या तो फिर सुविधाएं दूसरे इंसान के साथ शेयर नहीं करते हो, तो ऐसी सोसाइटी, ऐसे लोग ज़्यादा नहीं टिकते हैं। एक सोसाइटी या कंट्री या लोग तभी एक साथ खुशी से रह सकते हैं जब उनके बीच आपस में बहुत ही अच्छा संबंध हो, जब काफ़ी कुछ शेयर कर रहे हो। सिमिलरली अगर एक कंट्री आगे है किसी भी फील्ड में, मान लो साइंस या रिसर्च या टेक्नोलॉजी या लिटरेचर, उस कंट्री को बाकी कंट्रीज़ के लोगों के बारे में सोचना चाहिए और उस कंट्री को योगदान देना चाहिए जहाँ पे वो फील्ड ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रही हो। नहीं तो फिर एक ऐसा कंट्री जो कि स्वार्थी है, उसका नाश हो जाएगा। टैगोर बड़े ही ऑप्टिमिस्ट है, पॉजिटिव थिंकर हैं, और वो सोच रहे हैं, वो लोगों को कहते हैं कि वो अभी भी सोच रहे हैं कि एक ऐसा टाइम आएगा जब इंसान की आत्माएं एक हो जाएगी और सब एक साथ मिल के इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाएंगे रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। फाइनली द लास्ट पैराग्राफ, 27th पैराग्राफ, ये उनके लास्ट सेंटेंसेस हैं। वो ऑडियंस को कहते हैं कि वो मीलों दूर आए हैं इंसानियत की आवाज़ को सुनने के लिए, ढूंढने के लिए। और वो कहते हैं कि ये जो वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी जिसको वो ढूंढने आए हैं, वो ऊपर उठनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रीडी और प्रॉफिट ड्रिवन माइंड्स को ख़त्म करना है। टैगोर ये महसूस करते हैं कि धीरे धीरे ऐसी आवाज़ें फुसफुसा रही है, धीरे धीरे सुनाई दे रही है, और वो ऐसा मानते हैं कि एक ऐसा दिन आएगा जब यही फुसफुसाती आवाज़ इतनी बुलंद और इतनी सख्त हो जाएगी कि वो जो भी आवाज़ें हैं जिसमें अहंकार है, जिसमें लालच है, वो सारी आवाज़ शांत हो जाएगी। यानी कि व्हेन द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी इज हर्ड और विल बी हर्ड, द इनएक्सपीरियंस्ड एंड द डोमिनेंट वॉइसेस विल बी इन शॉक एंड दे विल बी साइलेंट। टैगोर कहते हैं कि सत्य की जीत होगी जब दुनिया के इंसान एक साथ मिल जाएंगे और वो सारी आवाज़ें जो बुरे कामों के लिए लगी हुई है, वो शांत हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये स्पीच आपको समझ में आई होंगी।
अगर नहीं आई तो मुझे ईमेल कर दीजिए ऑन iwritermailid@gmail.com iwritermailid@gmail.com और मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हो वो सारे डाउट्स, वो सारे सवाल जो आपके मन में है, और मैं उनको ज़रूर सॉल्व करूंगा। आई थैंक यू एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट डे।